कुबियर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्दी मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और आप सबको हमारे जाने से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन जो है हम सब लोगों के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ सेलिब्रेशंस की लिमिट तक इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इस दिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का क़याम हुआ था। ये दिन इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए कि पाकिस्तान का क़याम क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या मकसद था, टू नेशन थ्योरी क्या चीज़ थी, किस वजह से मुसलमानों और हिंदू को अलहदा किया गया, क्या रीज़न्स थे, क्या बेसिक्स थी, और आज हम क्या उन रीज़न्स को, उन बेसिक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या हम उनका मान रख रहे हैं, क्या हम उसी तरह चल रहे हैं जिस तरह हमें चलना चाहिए था। आजकल घर घर में इंडियन टीवी चल रहे होते हैं, सिनेमा सिनेमा में इंडियन मूवीज़ चल रही होती हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आदात जो हैं वो वहाँ उस मुल्क से रिलेटेड आ चुकी हैं, हमारे कल्चर काफ़ी हद तक उससे इंस्पायर्ड है, मेहंदियों में लोग नाच रहे होते हैं ऐसे जैसे हम लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे जैसे हम लोग पाकिस्तानी नहीं हैं। शायद गिनती से ही कोई आपको एक या दो चीज़ हम में पाकिस्तानी क्वालिटी की नज़र आए, अदरवाइज़ तो हम पूरे के पूरे मेंटालिटी वाइज जो है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक इंडियन हो चुके हैं। और इसमें 14 अगस्त मनाने का कोई रीज़न नहीं नज़र आता, सिर्फ बाउंड्री एक अलहदा होना, बाउंड्री पे चार सोल्जर खड़े कर देने से दो कंट्रीज़ अलहदा नहीं होती हैं, ये नज़र आ गया। हम लोगों को जो करना चाहिए था हमने वो नहीं किया, हमने उस बाउंड्री का मान नहीं रखा, उसका पास नहीं रखा। उसी का पास और उसी का मान रख जो लोग रखते हैं वो आज 14 अगस्त मना सकते हैं। अगर आप वो रखते हैं तो आज आप बना सकते हैं, अगर आप टू नेशन थ्योरी को दिल से एक्सेप्ट करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते, हिंदुआना रस्मों में पड़े हुए हैं, हिंदू गाने, हिंदू मूवीज़, हिंदू टीवी, हिंदू ड्रामा, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आज 14 अगस्त का आपके लिए कोई मकसद नहीं है, ना आपके लिए ना आपके बच्चों के लिए। हम लोगों को तो बचपन से 14 अगस्त की इम्पोर्टेंस सिखाई गई थी, बताई गई थी, स्कूलों में फंक्शन होते थे, हम लोग कौमी तराने गाते थे, ये होता था। आज स्कूलों में क्या होता है, 14 अगस्त को जी टैलेंट शो है, टैलेंट शो में वो चिकनी चंबेली भी डांस कर रहे हैं। अब ये 14 अगस्त है नहीं, ये 14 अगस्त नहीं है, ये कहीं से बल्कि ये एक शेम है। इट्स अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट्स अ शेम फॉर ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने ऐसे बच्चे ब्रॉटअप किए, इट्स अ शेम फॉर दैट पेरेंट्स जिन्होंने, जिनको प्रॉपर अपने बच्चों की तरबियत करनी नहीं आई। और अब ये समा आ चुका है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हम लोग आगे चल के इंशाल्लाह अपने बच्चों का बहुत वो करेंगे, लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस पता होना चाहिए कि हम लोग तरबियत किस तरह से कर रहे हैं। दुनिया का एक्सपोजर देना और बात होती है, दुनिया के एक्सपोजर को अपने अंदर डाल लेना और बात होती है। तो हमने क्या किया है, दुनिया का एक्सपोजर भी दिया है और अपने अंदर भी डाल लिया है, बगैर सोचे समझे कि वो चीज़ें हमें सूट करती हैं या नहीं करती हैं। समझ तो गए होंगे आप। आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त पे ही, उसकी इम्पोर्टेंस पे, क्या रीज़न्स थे, क्या वजह थी, क्यों हम लोग इस तरह हो गए। मुझे खुशी नहीं हो रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। किसी को भी आयश के दिन अगर खुशी होगी तो मैं उस इंसान पर हैरान होगी कि आपको कैसे खुशी हो रही है, कि आपको पता भी है 14 अगस्त क्या थी। छोटे छोटे बच्चे फिर तो रो रहे हैं कि आपने उनको वो तरबियत दी है, वो पटाखे फाड़ रहे हैं, पटाखे फाड़ रहे किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग साइलेंसर निकाल के बाइक्स चला रहे हैं, ये क्या है, ये कौन से तरीके हैं, ये कौन सी सिविलाइज सोसाइटी है, ये कहाँ आया था जश्न मनाने का तरीका, और जश्न किस बात का, जबकि हमें तो शर्म से डूब मरना चाहिए आज के दिन में। अच्छा जी, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं आपको खतरनाक खतरनाक बातें। आप लोग एक काम करें, आप लोग पहले एक्सरसाइज करें, फिर हम लोग उसके बाद आपको टिप देंगे, टिप के बाद आपसे पूछेंगे एक पोल का सवाल, बड़ा खरा खरा पोल का सवाल है। और उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद हम आपसे, हमारा सेंस आज ओरल हेल्थ का सेगमेंट होता है तो वो हमारे साथ ज़रूर होगा, हम ओरल हेल्थ पर ज़रूर बात करेंगे। ओरल हेल्थ पर बात करने के बाद हम डेफिनेटली आज 14 अगस्त पर बात करेंगे और उन सब लोगों को समझाएंगे कि कैसे 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 हम तबाही तक जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं आंखें बंद करके, मॉडर्निज्म के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, लिबर्टी के नाम पे हम अपनी सारे नॉर्म्स जो हैं वो भूलते जा रहे हैं, विच इज़ अ शेम ऑन ऑल ऑफ अस। ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम का आज का फॉर्मेट है, आप लोग भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप लोग भी अपना जोश और जज्बा और गुस्सा मेरी तरह दिखा सकते हैं। अभी जो है वक्त हो चुका है, आपको पता है एक्सरसाइज का वक्त हो चुका है, डॉक्टर मुबशर के पास जाने का वक्त हो गया है, चल के करते हैं एक्सरसाइज। हेलो
अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग आज? आई होप आप सारी एक्सरसाइज ज़रूर फॉलो कर रहे हों, 100 times रिपीटिशन कर रहे हों। एज़ आई से कि ब्रेकफास्ट से पहले और अगर रात में आप एक्सरसाइजेस से फॉलो अप कर रहे हैं, स्पेशली रिंकल्स की या एंटी रिंकल्स या प्रिवेंटिव कह लें, तो वो आप डिनर के बाद आफ्टर 1.5 hours के बाद आप ज़रूर प्रैक्टिस करें 100 times, दैट्स अ मिनिमम। फिर आप 200 to 300 रिपीटिशन बढ़ा सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज करनी है आई स्ट्रेंथनिंग की। काफ़ी लोगों को होती है कि ट्विच करती है आईज़ के एक आँख, जिसे हम कहते हैं कि फड़क रही है या ब्लड सर्कुलेशन इनफ नहीं है वी से, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर लेते हैं, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं या हैवी लाइट्स हैं या बहुत ज़्यादा स्कूल, जैसे स्कूल गोअर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन बिज़ी होती हैं, या लेडीज़ कह लें, या आप यंग टीनेजर्स कह रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम्स के थ्रू पास आउट कर रहे हैं, यानी दे आर वेरी मच बिज़ी इन टू स्टडी स्पेशली। तो हम अपनी आइज़ को किस तरीके से टायर्ड आइज़ से हेल्दी आइज़ की तरफ लेके जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमने फोकस करना है स्ट्रेट नेक करके। सिर्फ आइज को राइट हैंड साइड पे टर्न करना है, देन लेफ्ट, बट विदाउट टर्निंग द नेक, यानी नेक को हमने राइट पे नहीं करना है या लेफ्ट पे नहीं करना है, सिर्फ आई फोकसिंग, यानी फोकस करना है बिल्कुल अपनी नेक को स्ट्रेट अलाइन, और जो हमारी आइज है उसको एज फार एज यू कैन राइट हैंड साइड पे, जिस तरह हम इस तरह देखते हैं इसी तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ आइज़ को रोटेट करना है टू योर राइट हैंड साइड फिर लेफ्ट हैंड साइड। और रिमेंबर दिस कि आपने फास्ट नहीं करना है, क्योंकि हम टायर्ड आइज़ से ले जाके आपको यानी हेल्दी आइज़ की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं जिनको नींद नहीं आती, तो ये एक्सलेंट एक्सरसाइज है उन लोगों के लिए। सो लेट्स मेक अ मूव। अगेन हम यही कहते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका वार्म अप करना ज़रूरी है, तो इस दफ़ा हमने वार्म अप करना है स्पेसिफिकली आइज़ का। वो किस तरीके से वार्म अप करेंगे, इट्स वेरी इजी, सिर्फ राउंड रोटेशंस करनी है क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, ओनली 3 times हमने ये रिपीट करनी है एक्सरसाइज। और फेशियल मसल यानी चारों उंगलियों के साथ हमने ऊपर की तरफ इसको होल्ड करना है, यानी ईयर लोब जहाँ पे हमारे ईयर लोब एंड होते हैं इसी तरफ से ऊपर की तरफ होल्ड करना है और फिर नीचे की तरफ लाना है, फिर ऊपर की तरफ होल्ड करना है फिर नीचे की तरफ लाना है, वेरी इजी, जस्ट अ वार्म अप। सो आई होप आप रेडी होंगे अपने गियर में। सो विल बी जस्ट डूइंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज देन रोटेशन। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। अब क्लॉकवाइज हमने और एंटी क्लॉकवाइज ओनली 3 times रिपीट करनी है। And then close your eyes, 1, 2, 3, 4 and 5। तो अब हमने आइज़ को पूरी फोकस करके राइट हैंड साइड पर की तरफ देखना है, मगर विदाउट मूविंग द नेक, सिर्फ आई बॉल्स को रोटेट करके राइट हैंड साइड पे सेंटर एंड देन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, स्टॉप।